इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरोए रविवार चंद्रयान 3 ना कैमरा द्वारा कैप्चर करायेला चंद्रनी प्रथम तस्वीरों जाहिर करी छे। चंद्रयान 3 ने शनिवार चंद्रनी भ्रमण कक्षा में प्रवेश कर्या पछी आ दृश्य देखायु हतु। वीडियो में जोवा मळी रह्यु छे कि चंद्र पर वादळी लीला रंगना घणा खाड़ाओ छे। मिशन ना सत्तावार ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करवामां आव्यु छे कि 5 ऑगस्ट 2023 ना रोज चंद्रनी भ्रमण कक्षा में चंद्रयान 3 पृथ्वी पर थी चंद्र जोवा मळ्यु हतु। इसरो नुं चंद्र पर नुं मिशन अत्यार सुधी सारी रीते चाली रह्यु छे अने इसरो ने आशा छे कि विक्रम लैंडर ना आ महीना में अंत में 23 ऑगस्टे चंद्रनी सपाटी पर सॉफ्ट लैंडिंग करशे। चंद्रयान 3 ने 22 दिवस पहला चंद्रना दक्षिण ध्रुव पर लैंड करवा माटे लॉन्च करवामां आव्यु हतु, जे अत्यार सुधी कोई देश पहुंची शक्यो नथी। उत्तराखंड में केदारनाथ जता पहला रस्ता में आता रुद्रप्रयाग गौरीकुंड में भारे वरसाद ने कारण मंदाकिनी नदी में भूस्खलन थयु, जेमा शुक्रवार 3 लोगोना मौत थया हता। तो रविवार सुधी चालेला रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन बाद 20 लोगों लापता है। आ सर्च ऑपरेशन में एसटीआर एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों लागी है। आ 20 खोवायेला लोगों में 17 नेपाड़ी नागरिकों होवानु उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार जणाव्युं हतुं। लोकसभामांथी पसार थया बाद दिल्ली सेवा बिल ने मतदान अने चर्चा करवा माटे राज्यसभामां रजू करवामां आवशे। विपक्षी इंडिया गठबंधन ना सांसद सभ्यो आ बिलनो सदन में विरोध कर्यो छे, परंतु बीजेडी अने वाईएसआरसीआर जेवी पार्टीओना समर्थनथी आ बिल संसदना उपला गृहमां पण सरळताथी पसार थई शके छे। वर्तमान स्थिति प्रमाणे राज्यसभामां कुल सांसदोनी संख्या 237 छे, ज्यारे भाजप अने तेना सहयोगी दळो पासे संसदना उपला गृहमां कुल 105 सांसद सभ्यो छे। बीजेपी अने वाईएसआरसीआर पार्टीना कुल 18 सांसद, ज्यारे केटलाक अपक्ष सांसदोए पण भाजपने टेको जाहेर कर्यो छे। आम दिल्ली सेवा बिलना समर्थन में कुल सांसद सभ्योनी संख्या 130 छे, ज्यारे तेनो विरोध करनार विपक्षी इंडिया गठबंधनना सांसद सभ्योनी संख्या 104 छे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विरोध पक्ष नेता सुवेन्दु अधिकारी जणाव्यु छे कि प्रदेश की पंचायत की चूंटणी में भाजपा कुल 11,000 उम्मीदवारों जीत मेळवी, जे पैकी 3,000 उम्मीदवारों बिहार झारखंड आसाम सहित अन्य राज्यों में रहे छे। पुलिस उम्मीदवारों सामे बळजबरीपूर्वक गुना दाखल करे छे। अधिकारीए दावो कर्यो छे कि टीएमसी 80% बैठकों पर गैरकायदेसर रीते जीत मेळवी छे अने हवे तेओ बाकीनी 20% बैठकों ने हासिल करवा मांगे छे। लोकसभानी चूंटणी में बेलेट नहीं परंतु ईवीएम थी मतदान थशे, एटले त्यां गैररीतिनी शक्यता नहीं वधे। विपक्षी दलों चूंटणी जीती शकता नथी एटले पार विहोणा आरोप लगावे छे। आगामी लोकसभानी चूंटणी में एनडीए की 400 वधु बैठकों पर जीत थशे। पूरा प्रदेश में भाजपा को जो 11,000 हमारी प्रत्याशी चुनाव जीता है, उसमें 3,000 प्रत्याशी बाहर का प्रदेश में है, बाहर में रहने के लिए ये लोग मजबूर हुआ है। यहाँ पुलिस फर्जी एफआईआर डाल रहा है, हर कैंडिडेट को 6 लाख रुपया करके खरीद करने के लिए हर घर में जा रहा है। इसका सब चाहिए, 80% सीट ले लिया धांधली करके, फिर बाकी जो 20% है वो भी चाहिए, 100% चाहिए। मोदी सर ने मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ना निर्णय पछी 7 ऑगस्ट कांग्रेस माटे खूब ज खास दिवस छे, कारण के राहुल गांधी केटलाक समय सुधी संसद में पाछा फरसे तेना पर निर्णय लेवामां आवी शके छे। लोकसभाना अधिकारीओनुं कहेवुं छे कि सुप्रीम कोर्टना निर्णयनी नकल वांच्या बाद जरूरी पगला लेवामां आवशे। उल्लेखनीय छे कि शुक्रवारे सुप्रीम कोर्टे राहुल गांधी ने राहत आपता तेमनी सजा पर रोक लगावी हती, त्यारथी तेमनी लोकसभाना संसद सभ्यने लईने चर्चाओ शुरू थई गई हती। तो आ अंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पण कह्युं छे कि जोईए कि राहुल गांधीनी लोकसभा सदस्यता क्यारे पुनस्थापित थाय छे। एक मीडिया अहेवाल मुजब लोकसभाना अधिकारीओनुं कहेवुं छे कि सामान्य रीते कोर्टना निर्णयने वांच्या पछी 30 मिनिटनी अंदर कार्यवाही शुरू करवामां आवे छे अने आवी सूचनाओ संबंधित फॉर्म लोकसभा सचिवालय पासे होय छे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी वडा गुलाम नबीए निवेदन आप्युं छे कि जे लोको अनुच्छेद 370 ना हटावानो विरोध करी रह्या छे तेवो जम्मू काश्मीर की जमीनी स्थिति इतिहास भूगोल जाणता नथी। कलम 370 कोई चौक्स प्रदेश प्रांत अथवा धर्म माटे न हती, परंतु ते बधा माटे समान रीते लाभदायी हती।
તેમણે જણાવ્યું છે કે મને સુપ્રીમ કોર્ટમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે તે કલમ 370 ના તમામ પાસાઓ પર ધ્યાન આપશે। जम्मू काश्मीर विधानसभा चूंटणी ने लईने लेफ्टनंट गवर्नर मनोज सिन्हाए मोटू निवेदन आप्यू छे। मनोज सिन्हाए रविवारे कह्यू छे के मतदार यादीना सीमांकन अने सुधारणानुं काम पूर्ण थई गयुं छे। आ साथे तेमणे कह्यू छे के विधानसभा चूंटणी अंगे निर्णय लेवो ते चूंटणी पंचनो विशेषाधिकार छे। केन्द्र शासित प्रदेश में सक्रिय राजकीय पक्षों लांबा समय थी राज्य में चूंटणी की मांग कर रहा है, जेमां जम्मू काश्मीर नेशनल कॉन्फरेंस ना नेता अने पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला चूंटणी ने लईने भाजप पर आकरा प्रहार कर्या अने आ मामले भाजपनी आगेवानी हेठळनी केन्द्र सरकार ने घेर्या। 26 जुलाई ना रोज ओमर अब्दुल्लाए तेमना एक ट्वीट में पण आरोप लगाव्यो हतो के आश्चर्यनी वात नथी के भाजप जम्मू अने काश्मीर में विधानसभा की चूंटणी ने मंजूरी आपवामां खूब डरे छे। ज्ञानव्यापी कैम्पस में त्रीजा दिवसे एसआई नो सर्वे पूर्ण थयो छे। सर्वे बाद परिसर माथी बहार आवेला हिंदू पक्षना वकील विष्णु शंकर जैने कह्यु छे के अमे अमारा दावानी नजीक पहुंची गया छे। एएसआई सतत पोतानुं काम करी रह्या छे, जो के आ अंगे अत्यारे वधु कही शकाय तेम नथी। रिपोर्ट में तमाम बाबतोनो समावेश करवामां आवशे, परंतु एएसआई आवतीकाले पण आ सर्वे चालू राखशे। हिंदू वकील सुभाष चंदन चतुर्वेदीए कह्यू छे के सर्वे योग्य दिशा में चाली रह्यो छे। एएसआई नी टीम तेना निर्धारित स्थलों पर काम करी रही छे। प्राथमिक कामगीरी पूर्ण थई गई छे। आवतीकाले पण सवारे 8 थी सांजना 5 वागे सुधी सर्वे नी प्रक्रिया चालू रहेशे। केन्द्रीय कर्मचारियों ने टूंक समय में मोटी भेट मिली शके छे। केन्द्र सरकारे पोताना 1 करोड़ वधु कर्मचारियों अने पेन्शनरो माटे मोटी जाहेरात करी शके छे। सूत्रों द्वारा मळती माहिती अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों मोंघवारी भत्ता में वधारो थाय तेवी पूरेपूरी शक्यता छे। केन्द्रीय कर्मचारियों ने अत्यारे जे मोंघवारी भत्तुं मळे छे तेने वधारीने 45% करवामां आवे तेवी शक्यता छे। वधेलुं मोंघवारी भत्तुं 1 जुलाई 2023 थी अमलमां आवशे तेवी चर्चाओ चाली रही छे, जो कि सरकारे हजु सुधी कोई सत्तावार जाहेरात करी नथी। रेलवेना कर्मचारीओए मोंघवारी भत्तामां 4% वधारो करवामां आवे तेवी सरकार समक्ष मांग करी छे। आपने जणावी दईए के छेल्ले 24 मार्चना रोज मोंघवारी भत्तामां वधारानी जाहेरात करवामां आवी हती। अगाउ पण जाहेरात थई त्यारे केन्द्रीय कर्मचारीओने 38% मोंघवारी भत्तुं मळतुं हतुं, जेने वधारीने 42% करवामां आव्युं हतुं। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहे रविवार पुणेना एक सरकारी कार्यक्रम में संबोधन कर्यु हतु। आ कार्यक्रम में तेमणे जाहिर मंच पर अजित पवारनु स्वागत कर्यु। अजित पवार अने अमित शाह पहली बार जाहिर मंच पर एक साथे जोवा मळ्या। महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी ना नेता अजित पवार की प्रशंसा करता अमित शाहे कह्यु, अजित पवार पहली बार योग्य मंच पर आया छे। महाराष्ट्र में विकास की यात्रा ने आगे वधारवा माटे अजित पवार योग्य नेता छे। पुणे में डिजिटल पोर्टल अमित शाहे शुभारंभ करावे हतो। आ कार्यक्रम में तेओ जाहिर मंच पर अजित पवार साथे जोवा मळ्या। जाहिर मंच पर अमित शाहे अजित पवार ने दादा कहीने संबोधित कर्या। जाहिर मंच पर थी अमित शाहे कह्यु, हूँ दादा ने एक बात कहवा मांगु छू कि तमे पहली बार योग्य जग्याए बैठा छो, तमारा माटे आ जग्या योग्य छे, बस तमे आववामां मोडू करी नाख्यु। सबसे पहले अजित दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं इनके साथ पहली बार मंच पर कार्यक्रम कर रहा हूं, तो मैं दादा को एक बात कहना चाहता हूं। दादा, बहुत समय के बाद आप सही जगह पर बैठे हो, यही जगह सही थी मगर बहुत देर कर दी आपने। राजस्थान ना भीलवाड़ा नी घटना बाद भाजपनी महिला सांसदों पीड़िता परिवार साथे मुलाकात करी। भाजपना महिला सांसद लोकेट चटर्जी सरोज पांडे सहित 4 सभ्यों ने टीम पीड़ित परिवार ने मळी परिवारजनों साथे वातचीत करीने तेमने सांत्वना पाठवी हती। राजस्थानना भीलवाड़ा जिलाना कोटड़ी गाममां बकरी चरावा गयेली सगीरा पर गैंगरेप कर्या बाद आरोपीए तेने कोळसानी भट्टीमां नाखी दीधी हती। सांज सुधी सगीरा घरे परत न फरता परिवारजनों अने गामना लोकोए शोधखोळ हाथ धरी हती, जेमां सगीरानो मृतदेह कोळसानी खाण नजीकथी सड़गेली हालतमां मळी आव्यो हतो। भीलवाड़ा आ घटना अंगे भाजपनी महिला सांसदों राजस्थान सरकार की आकरी टीका करी छे। तेमणे राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा और कायदो व्यवस्था की स्थिति ने लईने सवाल उठाव्या छे। शासन के किसी भी
नेता ने मिलने की जरूरत नहीं समझी। ये गहलोत सरकार मुर्दा सरकार है, इतनी संवेदना नहीं है कि इस संवेदना के साथ में कम से कम उस परिवार के साथ एक बार मिलने आते। अपराध में राजस्थान आज सर्वोच्च शिखर पर है, किसी और चीज में हो या ना हो। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री का पद भी है, गृह मंत्री का पद भी है, और गृह मंत्री का पद होते हुए उनके राजस्थान में जिस प्रकार की घटना घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे बलात्कार करके उसको जला दिया गया जिंदा, उसके बाद भी सरकार पूरा मौन है, कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहे, कोई भी ऐसा कुछ नहीं उठाया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो उस दिन अगर पुलिस ने थोड़ा सा अलर्ट हो जाते तो शायद वो बच्ची को बचा लेते, लेकिन एक भी कुछ नहीं किया है। और ये कांग्रेस का सरकार लगातार, कांग्रेस के सरकार के टाइम पे आदिवासी से शुरू करके राजस्थान में महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है। રાજસ્થાનના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અને મંત્રી પ્રતાપ ખારચિયાવાએ ભીલવાડમાં થયેલા બળાત્કાર અને હત્યા મામલે જણાવ્યું હતું કે સરકાર સહિત તમામ લોકોને આ ઘટના બાબતે દુઃખ છે, આના જેવો કોઈ ગંભીર ગુનો નથી અને અપરાધીને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ, ભાજપે સમજવું જોઈએ અને આ મામલે રાજકારણ ન રમવું જોઈએ। નેશનલ ક્રાઇમ બ્યુરોના આંકડા પ્રમાણે મધ્યપ્રદેશમાં મહિલાઓ વિરુદ્ધ સૌથી વધારે ગુનાઓ નોંધાય છે, उत्तर प्रदेश हत्याराओं सौथी आगर छे, तेरे भाजप शासित राज्यों में कायदो अने व्यवस्था सौथी वधारे खराब छे, तमने त्यां पण ध्यान आपवू जोईए। देखिए, जो भीलवाड़ा में घटना हुई उसको लेकर पूरा राजस्थान दुखी है, पूरी सरकार दुखी है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों ने पाप किया उनको ठोक कर पकड़ कर लाई है पुलिस, उनको ठोक के सजा देंगे, किसी कीमत पे कोई बच नहीं सकता। और तुरंत प्रभाव से पकड़ लेना, ये राजस्थान की पुलिस की और खुद मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर आप समझ सकते हैं कितने सीरियस तरीके से काम होता है। तो जहां तक कुछ लोग वहां धरने पर बैठे हैं, वो मुआवजे को लेकर जो उनकी डिमांड है वो सरकार और प्रशासन बात कर रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी पर आकरा प्रहारों कर्या छे। मोटो आरोप लगावता तेमणे रविवारे कह्युं छे कि सीएम ममता बेनर्जी सांप्रदायिक छे, तेमना गुंडाओए रामनवमीनी शोभायात्रा दरमियान तोफानो कर्या हता, ये तुष्टिकरणनी राजनीति करी रही छे। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारीए वधुमां कह्युं छे कि तेमना गुंडाओए जय श्री रामना नारा लगावनारा सनातनी पर हुमलो कर्यो। ममता बेनर्जीनी तुष्टिकरणनी राजनीति बंगाळ अने देश माटे खराब छे, तेओ समग्र देशमां रोहियागोने पण फैलावी रह्या छे। ઉત્તરાખંડમાં કેદારનાથ જતા પહેલા રસ્તામાં આવતા રુદ્રપ્રયાગના ગૌરીકુંડમાં ભારે વરસાદને કારણે મંદાકિની નદીમાં ભૂસ્ખલન થયું હતું, જેમાં શુક્રવારે 3 લોકોના મોત થયા હતા, તો રવિવારે સુધી ચાલેલા રેસ્ક્યુ અને સર્ચ ઓપરેશન બાદ પણ 20 લોકો લાપતા છે। આ સર્ચ ઓપરેશનમાં એસટીઆરએફ અને એનડીઆરએફ અને ડીડીઆરએફની ટીમો પણ લાગી છે। આ 20 ખોવાયેલા લોકોમાં 17 નેપાળીઓ નાગરિકો હોવાનું ઉત્તરાખંડના ડીજીપી અશોકકુમારે જણાવ્યું હતું। पश्चिम बंगाळना कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरीए मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने पत्र लख्यो छे। आ पत्र में तेमणे त्रिस्तरीय पंचायत बोर्डनी रचना पहला निर्वाचित विपक्षी उम्मीदवारोने धमकी अने अपहरणने रोकवा माटे तात्कालिक हस्तक्षेप करवानी अपील करी छे। કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસે વિધાનસભાની જીત મેળવ્યા બાદ હવે કર્ણાટકમાં આવનારી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી છે। કોંગ્રેસ આના માટે લઘુમતી સમાજના નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી રહી છે, જેને માટે કર્ણાટકના સીએમ સિદ્ધાર્થ મૈયા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમાર સ્થાનિક લઘુમતી નેતાઓને મળીને બેંગલુરૂમાં હવે મહાનગરપાલિકાની વધુ બેઠકો કોંગ્રેસને ફાળે જાય તે માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી છે। They want to prepare for the Bangalore City Corporation elections. So the Congress party has given some direction to that. Their seats has to be protected. Earlier, BBMP, the government had divided the minorities. They always divide minorities. And they see that more numbers never come on minorities. But we want, as per the representation, as per the share of the population, we want to be there. આસામમાં બહુપતિત્વનો કાયદો નાબૂદ કરવા માટે રાજ્ય તરફથી નિષ્ણાતોની સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી। આ સમિતિએ પોતાનો અહેવાલ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માને સોંપ્યો છે।
राज्य सरकार आ अहेवाल आधार कायदो बनावानी तैयारी कर रही है। आ मामले हेमता बिस्वा शर्मा जणाव्यु कि आसाम हवे महिला सशक्तिकरण माटे सकारात्मक वातावरण उभु करवानी नजीक पहुंची गयु छे। अफगानिस्तानना फैजाबाद शहर में 5.2 रिक्टर स्केल नो धरतीकंप थयो हतो, तो भारत ने नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी विभाग के आंकड़ा जाहिर करता जणाव्यु हतु कि धरतीकंप केन्द्र नो बिंदु फैजाबाद थी 19 किलोमीटर दूर हतो। शनिवार अफगानिस्तानना 5.8 रिक्टर स्केल नो धरतीकंप थयो हतो। आ उपरांत पाकिस्तानना लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर अने अन्य शहरों में पण शनिवार 5.8 नी तीव्रता नो धरतीकंप आव्यो हतो। भारत में 2023 नो क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू थाय ते पहला ज आईसीसी अने बीसीसीआई नी टीमों वधु ग्राउंड नी मुलाकात लई रही छे। आ मुलाकात दरमियान सुरक्षा व्यवस्था, पीच नी स्थिति, फ्लड लाइट जेवी विविध बाबतों नू ध्यान रखाई रह्यु छे। आ साथे ज श्रेणी में बीसीसीआई अने आईसीसी नी टीमों कोलकाताना ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड नू निरीक्षण कर्यु हतु। क्रिकेट वर्ल्ड कप आ वर्षे ऑक्टोबर नवेम्बर में भारत की यजमानी रमवानु छे। त्यारे टूर्नामेंट माटे पाकिस्तानी टीम पण भारत प्रवासी आववानी छे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ अंगे पाकिस्तान सरकार की मंजूरी की राह जोई रह्यु हतु, परंतु हवे पाकिस्तानी शाहबाज शरीफ सरकारे पोतानी टीम ने भारत प्रवास माटे मंजूरी आपी छे। वास्तव में पाकिस्तानना विदेश मंत्रालय आ निवेदन जाहिर कर्यु छे। तेमणे स्पष्ट कर्यु छे कि हवे पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप रमवा माटे भारतना प्रवासे जशे। वर्ल्ड कप 5 ऑक्टोबर थी शुरू थशे, ज्यारे भारत पाकिस्तान वच्चे 14 ऑक्टोबरे मैच रमाशे।